हेलो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसका एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। इन 10 बातों को अगर आपने 10% भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो आप ज़िंदगी के असल मायने समझ पाएंगे, और अगर आप असल मायने समझ गए तो आप ज़िंदगी को जीना सीख जाओगे। फर्स्ट, प्यार और समझ के साथ चीज़ों को स्वीकार करो। इससे मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो या क्या कर रहे हो। हमेशा यकीन रखो कि सुरंग के अंत में प्रकाश होगा। परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अंत में जो भी रिजल्ट आए उसे स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे हाथ में नहीं होते। जो भी हुआ है उसे ऐसे ही होना था। सेकंड, लाइफ बहुत सिंपल होते हुए भी सुखद हो सकती है। बहुत बार तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत जटिल है, लेकिन ये हमेशा सिंपल हो सकती है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि एक समय में एक ही काम करना है। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम ज़िंदगी में जो भी डालोगे वो तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उसे लौटा देगी। खुशियाँ चीज़ों में नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर होती हैं। थर्ड, औरों के लिए खुद को बदलो नहीं। सिर्फ इसलिए अपने आप को मत बदलो क्योंकि तुम जैसे हो उस रूप में लोग तुम्हें अपनाते नहीं। तुम यूनिक हो। अपनी यूनिकनेस, अपनी विशेषता को खो मत। हमेशा वही बोलो जो तुम सचमुच अंदर से सोचते हो, भले इससे हर कोई वास्ता न रखता हो। जब तुम खुद से सच्चे रहते हो तब तुम इस दुनिया को सुंदर बनाते हो, वो सुंदरता जो पहले नहीं थी। फोर्थ, तुम वो नहीं हो जो तुम थे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में बदल देता है, और हमें एक दिन एहसास होता है कि हम वाकई में बदल गए हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए कभी इसके लिए अफसोस मत करना। बदलाव प्रकृति का नियम है। फिफ्थ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो आज हमें चाहे जैसा लगे, पर बाद में पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। ज़िंदगी तुम्हें कई जगह ले जाएगी, अलग अलग अनुभव कराएगी, खट्टे मीठे हर तरह के अनुभव। ये सब बातें तुम्हें ग्रो करने में मदद करेंगी, इसलिए कभी निराशा में मत डूबना। हमारे साथ वही होता है जो हमारे साथ सबसे अच्छा हो सकता है। सिक्स, खुशियाँ चुनो, पैसे नहीं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि पैसा उनके जीवन में खुशियाँ ला सकता है, लेकिन दौलत का पीछा करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन बस उसी के पीछे भागते रहना एक बहुत बड़ी गलती। हर एक निर्णय में पहले खुशियों को देखो, बाद में बैंक बैलेंस। इस तरह जब तुम बूढ़े होंगे तो तुम चीज़ों की असल कीमत जानोगे, उनकी मॉनिटरिंग वैल्यू नहीं। जब तुम समझोगे कि ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ ऐसी होती है जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। सेवंथ, निश्चय करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे। ज़िंदगी के बारे में एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये कि अगर तुम खुश नहीं हो तो ये परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारे खुश न रहने के निर्णय की वजह से है। हर बार जब ज़िंदगी तुम्हारे रास्ते में बाधा डाले तो एक बड़ी सी मुस्कान दो, उसकी मौजूदगी स्वीकार करो और हंसते हुए उसे पार करो। खुश रहने का निर्णय लो और चाहे जो हो जाए अपने निर्णय पर अडिग रहो, यही खुश रहने का रहस्य है। एट्थ, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन पर पूरा ध्यान दो। हो सकता है कि हमेशा साथ रहने के कारण तुम उन लोगों को फॉर ग्रांटेड लेने लगो जिनसे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। जब तुम अपने किसी करीबी से पूछो कि वो कैसा है तो बस ओके सुनकर आगे मत बढ़ जाओ। उसकी आंखों में देखो और पूछो उसका दिन कैसा गया और वो कैसा फील कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त बस तुम्हें ज़रूरत में याद करते हैं तो चिंता मत करो। खुश रहो कि तुम उनके लिए एक उम्मीद की किरण के समान हो। 9, कभी कभी कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में टकराने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ मामलों में वे हमारी ग्रोथ को इंटरप्ट करते हैं। जब जान जाओ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मजबूरी में उससे चिपके मत रहो, एक टफ डिसीज़न लो और आगे बढ़ जाओ। 10th, हर एक एंडिंग हैप्पी एंडिंग नहीं होती। सेटबैक्स या फेलियर लाइफ का एक हिस्सा है। ज़रूरी नहीं कि तुमने जो भी कुछ शुरू किया उसका एक सुखद अंत हो। इसलिए जब तुम बहुत प्यास करने पर भी हैप्पी एंडिंग ना हो तो बेहतर होगा कि तुम एक न्यू बिगनिंग करो। कभी भी पुराना सब कुछ छोड़कर नया शुरू करने से डरो मत, चाहे तुम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो।